करबला जाने से कबल इमामसैन रजील् तू की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत फ़ातमा से आखिरी मुलाकात और करबला का खूनी मंजर इमाम हुसैन रजील तू का दिल दहला देने वाला वाक्य जिसे सुनकर रुख कांप जाए वाक्य मुकम्मल जरूर सुनिएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजी नवासे कर बलाजरत हज़रत दिना इमाम हुसैन ताला अन्हु की विलाई आपका नाम मुबारक हु और अलकाबा सिपूल और रिहानतर हैजरत समामसैन रजी तन का सिलसिला नसब वाल हजरत अली रजी अल्लाह तरफ ऐसी हजूर नबी करीम सलम के दादाज

खुद में डाल दिया और यूं हजरत इमाम लगी हजरत सयदा उम्म फजल अन्हा को हज़रत सयदि इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से बेहद मोहब्बत थी और आपने हजरत सैदिना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तु की परवरिश हकी माँ की तरह की और अपना आराम और सुकून आप पर कुर्बान कर दिया हजरत सईदिना इमाम हुसैन रजी तुम की पैदाइश के बाद हड़ब रखा नाजरीत के मुताबिक जब हजूर नबी करीम सलम को हज़रत सईदिना इमाम हुसैन रजील् तु की विलादत की खबर हुई तो आप सल्ह उसी वक्त हजरत सैदातमत रजील तन के पास तशरी ले गए और आप रजी अल्लाह रजील को गोद में उठा कर प्यार किया फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं कान में आजान दी और बाएं कान में तकबीर कही फिर अपना लुआब दहन मुंह में डाला और दुआ खैर फरमाते हुए आपका नाम मुबारक हुसैन रखा फिर सातवें रोज हजरत सईदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह रजील्ला का अकीका किया और बाल उतरवा कर उनके वजन के बराबर चांदी खैरात की हजरत सईदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तु ने अपने बचपन के सात साल नबी की सोहबत पाई आप रजी अल्लाहर इमाम की तरबियत नबी करीम वसल्लम ने किसी किस्म की कोई कमी ना छोड़ी और दोनों ही नबी करीम सलम के बेहतरीन इखलाक का नमूना थे नबी सलासन करीम को अपने साथ रखते और उन्हें हर चीज के आदाब सिखाते थे यही वजह है की हसनैन करीमैन रजील से भी हजूर नबी करीम सलम की कई अहादी मरवी हैं मुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्म की खिदमत में जक़त की खजूरों का एक टोकरा लाया गया आप सल्लाह उन्हें तकसीम फरमाने का इरादा रखते थे हजरत सई दिना इमाम हुसैन रजी तैन हो जो की अभी छोटे थे आए और एक खजूर को उठा कर मुँह में डाल लिया आप सल्लाह ने वो खजूर हजरत सई इमाम हुसैन रजी तन के निकाली और फरमाया कि मेरे बैत के लिए जक़ात हराम है पर उस दिन के बाद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह सैदना ने अपने नाना की बात जहन नशी कर दी और फिर कभी अहल की सरदारी पर आरोप न आने दिया एक मरतबा हजरत अब्बास अब्दुल रजी अब रजील्ला की जोजा हजरत उम्म फजल रजी अल्लाह रजीलू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार गा में हाजिर हुई उस वक्त हजरत सैदी इमाम हुसैन रजी अल्लाह तुम उनकी गोद में तशरीफ फरमा थे और नबी आई सलासलाम की आंखों से आंसू जारी थे हजरत उम्म फजल रजी अल्लाह ने अर्ज किया की मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए आप क्यूँ रोते हैं नबी अलीसलाम ने फरमाया जिब्राइल मेरे पास आए और उन्होंने मुझे इस बेटे की शहादत की खबर दी है हजरत उमे फजल रजी अल्लाह बयान फरमाती है मैंने पूछा क्या इस बेटे की शहादत की खबर नबी आ सलातम ने फरमाया हाँ और जिब्राइल मेरे पास उस जगह की मट्टी भी लाया था जहाँ उसे शहीद किया जाएगा और वो मट्टी सुर्ख रंग की थी उम्मल मोमिन सयदा उम फरमाती हैं एक दिन हुजूर नबी करीम मेरे घर काफी अरसे बाद तशरीफ लाए मैंने देखा की आप बहुत परेशान है और आपके बाल मुबारक आलूद है मैंने अर्ज किया यार क्या माजरा है मैं आपको इस हाल में देखती हूँ आप सल असल् ने फरमाया मुझे आज उस जगह ले जाया गया जो इराक में है और वो मकामी करबला है वहाँ मेरे हुसैन को शहीद किया जाएगा वहाँ मैंने अपनी औलाद को देखा और उनके खून को जमीन से उठाया और वो मेरे हाथ में मौजूद है, रजी ताला है ने अपनी और इसे, इसे हिफाजत से रखना मैंने देखा वो सुर्ख रंग की मट्टी थी मैंने उसे एक बोतल में रख लिया और उस बोतल का मुंह अच्छी तरह बंद कर दिया फिर जब हजरत हुसैन इराक का सफर किया तो मैं उस शीशी को रोज देखती थी और जब आशूरा का दिन हुआ तो मैंने उसमें ताजा खून देखा मैं जान गई कि आज इमाम को शहीद कर दिया गया है और फिर जब आप रजी अल्लाह तला की शहादत की खबर मुझे मिली तो वो भी आशूरा का दिन था उस वक्त आपकी उम्र मुबारक सत्तावन साल थी नबूवत में दर्ज है की हजरत असमा रजी अल्लाह फरमाती है की एक मरतबा हम लोग हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तन की हमरा सफर कर रहे थे उसी दौरान हमारा गुजर उस जगह से हुआ जहाँ आज कल हजरत सईदी सैन रजील की सैदिन ने फरमाया इस जगह आने वाले दौर में आसूल का एक काफिला क्याम करेगा और इस जगह इनके ऊँट बंधे हुए होंगे और इसी मैदान में जवानी अहल बैत की शहादत होगी और ये जगह शहीदों का मतफन बनेगी और जमीन व आसमान इन लोगों पर रोएंगे नाजरीन एक मरतबा हजूर नबी करीम सल वम का गुजर हजरत सैदा तो रजील की

बस जो इससे मोहब्बत रखेगा अल्लाह रबुलाजत उससे मोहब्बत रखेगा रखे और जो इससे दुश्मनी रखेगा तो अल्लाह रबुलाजत रखे भी रखेगा तशरीफ़ फरमा थे उसी दौरान हजरत इमान हुसैन रजील् तुम तशरीफ लाए रसूल अल्लाह सलम ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया हजरत सैदिन इमाम हुसैन रजियाल्ला आपकी रीश मुबारक से खेलना शुरू कर दिया और नबीत म से अपना मुंह मुबारक खोल कर उनके मुंह को अपने मुंह में डाल लिया फिर आप वसल्लम ने दुआ फरमायी एल्ला मैं इसे महबूब रखता हूँ तू भी इसे अपना महबूब बना ले और जो इससे मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत कर हजरत सईदिनातजा रजी से मई है की एक मरतबा में घर में दाखिल हुआ तो देखा की हसूर नबी करीम सलम तशरीफ फरमा है सईदना इमाम हसन रजी अल्लाह तन आपके दाई और हजरत सईदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तला आपके बाई जानब गोद में तशरीफ फरमा है जबकि हजरत सैयद फातमतर रजी अल्लाह सामने तशरीफ़ फरमा है आप अली सलाम ने मुझे देख कर फरमाया की ए अली हसन और हुसैन दोनों मीजान के पल रहे हैं जबकि फातमा इसका तराजू है और तराजू दो पलरों पर ही कायम रहता है जबकि तुम रोज माशर लोगों का अजय तकसीम करोगे हजरत सईद उमर अपने मरवी है की मैंने देखा कि की हजूर नबी करीम सल्हम की पुश्त पर हज़रत सही इमाम हुसैन रजील् तुम सवार है और आप रजी अल्लाह तु ने डोरी थाम रखी है जिसका एक सिरा सरकारी के हाथ में था नबी सलात वसलाम उस वक्त हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह के इशारे पर चलते थे मैंने जब देखा तो कहा कि वह क्या खूब सवारी है नबी आई सलाम ने फरमाया कि सवार भी कितना उमदा है नाजरीन बचपन में एक रोज हजरत सयदिना इमाम हसन और हजरत सईदिना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तला आपस में कुश्ती कर रहे थे सरकार अलैहि वसल्लम ने हजरत सैदिन इमाम हसन रजील से फरमाया कि हसन हुसैन को पकड़ लो हजरत सदा रजी कहा, बाबा जान आप बड़े भाई को कहते हैं कि वो छोटे भाई को पकड़ ले नबीलाम तो ने फरमाया कि ज़िब्राइल अमीन भी तो हुसैन से कह रहे हैं की वो हसन को पकड़ ले हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह सेवायत है की हजरत सईदिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह तन की शक्ल आप सल्लाम से मुशाब थी एक दिन हजरत सगी दिनाबकर सिद्दीक रजियला ने सगी दिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह तला को खेलते हुए देखा तो तेजी से लपक कर उनको गर्द में उठा लिया और प्यार करने लगे आपने फरमाया मेरे माँ बाप आप पर कुरबान हो आप अली से मुशाबे नहीं बल्कि हुजूर नबी करीम वसल्लम से मुशाबे हैं हजरत अली और मुर्तजा रजी अल्लाह करीब ही खड़े थे उन्होंने सुना तो मुस्कुराने लगे नाजरीन एक मरतबा अपने चंद एक के हमरा एक गली से गुजरे तो आपने चंद बच्चों को खेल कूद में मशगूल देखा आप अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और एक बच्चे को गोद में उठा कर प्यार करने लगे साहबा इक्राम रजी अल्लाह तन ने है से दरियाफ्त किया अलैहि वसल्लम आपने सिर्फ उसी एक बच्चे को गोद में उठाकर प्यार क्यों किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक रोज़ इस बच्चे को अपने लखते जिगर हुसैन के कदमों की को अपनी आंखों पर लगाते हुए देखा था उसी रोज से मुझे इससे मोहब्बत हो गई और मैं बरोजी क्यामत इसकी और इसके वाले की शफात करूँगा एक मरतबा हसनैन करीमैन रजी अल्लाह तख्ती लिख कर नबी आ सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे नाना जान दो तो में से किसका खत अच्छा है सरकारी दो जहाँ उनमें से किसी एक की दर्शनी नहीं करना चाहते थे उसे रंच ना पहुंचे, आपने खुद फैसला ना फरमाया और उनको सईदी और मुत्य की वो फैसला करे हज़रत सदना और मुतज़ार खुद फैसला ना किया और उनको हजरत सैदातरा रज्लहा के पास भेज दिया उन्होंने फरमाया की मुझे ख़त की ज्यादा पहचान नहीं है इसलिए मैं ये साथ मोती जमीन पर डालती हूँ तुम तो में से जो ज्यादा मोती चुन लेगा उसकी तख्ती अच्छी होगी आप रजी अल्लाह ने मोती हवा में उछाल दी और जब जमीन पर जन्नत के शहजादों ने उनको चुनना शुरू कर दिया दोनों ने तीन तीन मोती चुन लिए अब दोनों में से कोई एक सातवा मोती उठा सकता था कि हजरत जब्राहलीस तशरीफ लाए और सातवा मोती उठा लिया और अल्लाह रबुल्जत के हुक्म से उसके दो टुकड़े कर दिए और दोनों शहजादों ने आधा आधा उठा लिया दोनों शहजादों में से किसी को शिकस्त का न देखना पड़ा नबी को खबर हुई तो आप दीदा हो गए रंजीदगी मंजूर नहीं और एक वक्त ऐसा आएगा कि दोनों को में किया जाएगा। हजरत के पास यमन से दो चादरें आई लोगों ने वो चादरें आपको पहना दी आप रजी अल्लाहन वो चादरें पहनकर मुम्बर नबी पर बैठे हुए थे और लोग आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे थे आपने उसी दौरान देखा की इमाम हसन और हजरत इमाम रजी अपनी वालदा, जहरा रजी के घर से निकले और उनके कंधों पर उस हो गए लोगों ने आपसे रोने की वजह दरियाफ्त की तो आपने फरमाया मुझे इस बात पर रोना आ रहा है कि मेरे पास दो चादरें हैं जबकि हसनैन करीमैन रजी अल्लाह तुम के पास एक भी चादर नहीं है मेरे पास जो चादरें हैं वो इनके लिए बड़ी हैं इसके बाद आप रजी अल्लाह ने यमन ख़त लिखा और दो चादरें हसनैन करीमैन के लिए मंगवा ली जब ये दोनों चादरें आपके पास पहुंच गई तो आपने खुद हसनैन करीमैन के पास जाकर उन्हें वो दोनों चादरें पहना दी नाजरीन नाजरी के विसाल के वक्त हजरत सैदी इमाम हुसैन रजी अल्लाह तुम अभी छोटे थे मगर आपका गम किसी भी तरह दूसरों से कम नहीं था आप रजी अल्लाह को कोजूर नबीम सल्लाम के वाल के बाद एक राहबर और रहनुमा की कमी महसूस हुई रसूल सल्लाम का हसन करीमैन को फर्ते जज्बात से चूमना और प्यार करना जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह को याद आता तो उनका दिल डूबने लगता आप रजी अल्लाह रजील की वालदा हजरत सैयद रजी रजील तन की कैफियत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी उस वक्त हजरत सयदिनामतजा रजी अल्लाह तुम अपने जिगरी गोशों और सोजे की दिल जोई की हर मुमकिन कोशिश किया करते थे नाजरीन आता है की घर तशरीफ़ लाए तो हजरत बीमारी और कमजोरी के बावजूद आटा गूंदा और अपने हाथ ऐसी रोटियाँ पकाई फिर हजरत सही दिन अलीज़ा रजी तन और बच्चों के कपड़े धोए हजरत अली रजी अल्लाह तरमाया की फातिमा मैंने तुम्हें कभी दो काम इकट्ठे करते नहीं देखा आज तुम काम इकट्ठे कर कर रही हो सैयद फातिमा रजील्ला ने फरमाया मैंने रात ख्वाब में अपने वालिद माजिद को देखा वो मेरे मुंतजर थे मैंने अर्ज किया की कि मेरी जान आपकी जुदाई में निकल रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातमा मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ बस उस ख्वाब के बाद मैंने ये जान लिया की ये मेरा आखिरी दिन है और मैं अब इस दुनिया ऐसी पर्दा फरमाने वाली हूँ मैंने ये रोटिया इसलिए पकाई है की कल जब आप मेरे गम में मुब्तला हो तो मेरे बच्चे भूख के न रहे और कपड़े इसलिए धोए हैं की मेरे बाद जाने कौन कपड़े धोएगा हजरत सईदीज़ा ने आपकी बातें सुनी तो आपकी जारी हो गए और पहले नबी जुदाई और, और खातून जन्नत की जुदाई आप रजी अल्लाह तनों के लिए एक कारी जखम से कम न थी जहरा रजी अल्लाह तन ने जब आपकी कैफियत देखी तो फरमाया आप गम न करें और जैसे आपने पहले सबर किया अब भी सब्र करें बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ हैं हजरत सैद फातमतरा रजी अल्लाह के विसाल से पहले हजरत असमा बिनतेमैस रजी तशरीफ लाई तो आप रजील ने उनसे फरमाया मेरे बच्चों को खाना खिला दें हज़रत आसमा बिनते ने हस्तैन करीमैन को जब खाने के लिए जमा किया तो उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया और कहने लगे की हम अपनी वालदा के बगैर खाना नहीं खाएंगे उस दौरान हजरत सैदिन मरतजा रजील्ला तशरीफ लाए और उन्होंने बच्चों को उनके नाना के रोजाए मुबारक पर भेज दिया अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि बच्चे फिर आ गए और हजरत सईदी मुर्तज़ा रजी अल्लाह से कहने लगे कि हमें अपनी वालदा का आखिरी दीदार करने दें जहरा रजी अल्लाह सैदमा ने इशारे से फरमाया कि इन्हें आने दें हजरत मुर्तजा रजी सईदीजा रजियो ने दरवाजा खोल दिया भाग कर माँ के सीने से लग गए आप रजी अल्लाह ने उन्हें प्यार किया और उन्हें दुआएं देते हुए एक मरतबा फिर आप सल्ला के रोजे मुबारक पर भेज दिया हसनैन की जाने के बाद हजरत सैयद फातमा तो जहरा रजी अल्लाह तला ने उमिन हजरत उम सलमा रजी अल्लाह तला जो कि इस वक्त आपके पास मौजूद थे उनसे कहा कि वालदा मेरे के लिए पानी का इंतजाम करें ताकि मैं गसल कर सकूँ पानी का इंतजाम किया और आपने गाफ़ सुथरे कपड़े पहने और किबला रुख होकर लेट गई किबला रुख लेटने के बाद आप रजील्ला ने हज़रत असम बिन तेमेस रजी अल्लाह तेज से फरमाया की आप सल्लाम की मिसाल के वक्त हजरत जबरी इस्लाम जसद अतर को हनूद करने के लिए काफूर बेहती लाए थे जिसके आपने तीन हिस्से किए थे उनमें से दो हिस्से मुझे इनायत हुए और मेरे और अबुल हसन के लिए थे तुम उसमें से एक हिस्सा ले आओ और दूसरा अबुल हसन के लिए संभाल कर रख दो हजरत असमा बिनते जाने के बाद सैयद ने नबी सलाम की उम्म के गुनागारों के लिए दुआ फरमाई और अपने बच्चों के लिए दुआ खैर फरमाई फिर आप रजी अल्लाह तलमा पढ़ा और अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी हजरत सैयद फातमतरा रजी अल्लाहन का विशाल हजरत सयदना मुर्तजा रजी अल्लाह तन और दोनों शहजादों के लिए इम्तिहान था जब दोनों नन्हे शहजादे बिलखसूस हजरत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की याद में आंसू बहाते तो हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी रोना शुरू कर देते फिर दोनों शहजादों को गले से लगाते और प्यार करते हुए उन्हें सब्र करने की नसीहत फरमाते हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अपने दौर में हजरत सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मोहब्बत आमेज बर्ताव रखा हजरत तो उम्र रजी अल्लाह दौर में जब किया गया तो दूसरे लोगों की तरह आपने हसनैन करीमैन के वजीफे मुकर किए आप दोनों भाइयों का वजीफ़ा पाँच हजार दिलहम सालाना था और इतना ही वजीफा इस वक्त खुद अमीर हजरत सैदना उम्र फारूक रजील्ला लेते थे इसके बाद खलीफा सोम हजरत सैदिन उस्मान गनी रजील्ला ने भी हसन करीमैन की खिदमत में कोई कसर बाकी न रहने दी जरत सैदिनास्मानी रजी शहादत के वक्त ये दोनों नवासे आपकी पर मामूर थे लेकिन आप रजी तरफ ऐसी इजाज़त ना मिलने की वजह ऐसी नीस तो नाबूद करने से माजूर रहेनी रजी तुम्हों की शहादत के बाद हजरत सईदना अलील मुर्तजा रजी खलीफा मुंतब हुए आपके दौर में खारजियत का फितना शुरू हुआ उम्रत सयदा आयशी का रजिया ताला के साथ जंग जमल का पेश आया। अमीर ताला ने उस्मान गनी ताला का आयादिनाविया तलब किया उस दौरान जब जंग का खतरा हुआ तो जंग बंदी करवाई माहिर रमजान चालीस हिजरी में एक खारजी मुर्तजा रजी अल्लाह कातिलाना हमला कर दिया जख्मी होने के बाद तीन दिन तक आप रजी अल्लाह जिंदा रहे दौरान आप से हजरत सैदिना इमाम हसन रजी अल्लाह रजील्ला की जानशीनी के बारे में पूछा गया तो उस पर आपने फरमाया कि ना मैं हुक्म देता हूँ ना मैं रोकता हूँ रजील तू का विसाल हो गया हजरत अली रजी अल्लाह की व से के बाद कोफा की जाम मस्जिद में हज़रत सैदिना इमाम हसन रजी अल्लाह तू की खिलाफत पर बैत हुई रिवायात के मुताबिक उस वक्त बीस हजार ऐसी ज्यादा लोगों ने आपके हाथ पर बैत की कुछ अर्से के बाद हजरत सैदिना इमाम हसन रजी अल्लाह तु हजरतिया रजी अल्लाह के हक में खिलाफत से दस्तबरदार हो गए और अपने और के मदीना मुनवरा रवाना हो गए यूनबी का ये फरमान पूरा हुआ के मेरा ये बेटा मुसलमानों के दो गिरोह में सुलह का बायस बनेगा हजरत सैदना इमाम रजी अल्लाह तु ने मदीना मुनवरा पहुँचने के बाद ऐसी कर ली और फिर किसी सियासी मामले में मदाखलत न ना फरमायी नाजरीन हज़रत सदना इमाम को जहर देकर शहीद किया गया जिस वक्त आप दिया गया उस वक्त हजरत सईदा इमाम दिया है आपने फरमाया कि अगर मेरा दुरुस्त है तो फिर हकी की बदला लेने वाला हजरत सईदिना इमाम रजी अल्लाह तू की शहादत भी हजरत सईदिना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तला के सब्र का इम्तिहान थी आप रजी अल्लाह अपने भाई को याद करके हमेशा रोया करते थे हजरत सैदना इमाम हसन रजी अल्लाह रजील्ला की शहादत के बाद लोगों ने खिलाफत के लिए सैदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह रजील्ला की तरफ रुजू किया लेकिन आपने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह के साथ किए गए आपनेआविया की पाबंदी को जरूरी समझते हुए लोगों की बात मानने से इनकार कर दिया और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह की जिंदगी के दौरान उनकी बैत खिलाफत पर कायम रही इसी तरह हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह त ने भी शरात की, की पाबंदी की रिवायात में आता है की हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह हज़रत सयदीना इमाम हुसैन रजियाल्ला और उनके तमाम अजीज व अकारिब को शाम के इलाके दमश्क मिले गए और वहाँ आपको मुख्तार सल्तनत बना दिया आप रजी को तमश के महल में रखा और हर तरह से खातिर वीज़रत सदिन इमाम हुसैन रजील्ला जब भी दरबार खिलाफत में तशरीफ ले जाते तो लिए अमीर अपने अगर कहीं जाना होता तो पहले हजरत सईदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तन सवार होते बाद में हजरत अमर मुआविया रजी अल्लाह तवार होते थे अलगरज अमीर मुआविया रजी अल्लाह तन के साथ उनके विशाल तक हजरत सईद इमाम हुसैन रजी अल्लाह तल्लु बेहद खुशगवार नाजरन हजरत अमीर रजी अल्लाह का जब आखिरी वक्त आया तो उन्होंने यजीद को वसीयत करते हुए फरमाया मैं तुझे वसीयत करता हूँ की औलाद और भाई बहनों और तमाम बड़ी हाशम के हक में अपनी हकूमत में कोई जदीद अमर करने ऐसी पहले हजरत इमाम हुसैन रजियाल्ला से मशवरा कर लेना तेरा कोई हुक्म हुसैन के हुक्म ऐसी बुलंद ना हो और तेरी कोई जरूरत हुसैन की जरूरत ऐसी मुकदम न हो उस वक्त तक हर खाना मत खाना जब तक तू उनको खाना ना खिला दे और ना पानी पीना जब तक वो पानी ना पी ले और इसी तरह कोई खर्च आता के अपने लश्कर और अपने घर का खर्च ना करना जब तक उन पर खर्च ना कर लो और खुद उस वक्त तक कुछ ना पहनना जब तक उनको ना पहना लो खिलाफत यकीनन उनका हक हाँ है अगर इमाम हुसैन रजी अल्लाह रजियाल्ला खिलाफत तलब करें या खुद खिलाफत का ऐलान करे तो तुम उनकी अतात कर लेना लेकिन यजीद ने अपने वालिद मोहतरम हजरत अमीर सैदना रजी अल्लाह तु की वसीयत की कोई परवाह न की और तख्त पर बराजमान होते ही हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह से बैत का मुतालबा करने लगा फिर यजीद ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तु के पास अपने कुछ एलची भेजे और ख़त लिख कर कहा कि वो उसकी बैत कर लेकिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह रजील्ला होने, ये कहकर उनको वापस भेज दिया की कि मैं किसी फासी को फाजर के हाथ आरोप बैत नहीं करता और ना ही यजीद की खिलाफत को तस्लीम करता हूँ फिर सयदना इमाम बैत और के साथ साथ अपने भाई इबन से मशवरे तलब किए सब ने आपका ख्याल दरियाफ्त किया तो आपने वही जवाब दिया जो आपने वाली मदीना को दिया था की मैं खानदान नबूबत का चश्मो चराग हर किस ऐसे फांसी को फाजर के हाथ में बैत नहीं करता इस पर सब ने इतफाक किया और मशवरा दिया कि आप मदीना मुनवरा से मक्का मुआजमा चले जाए सैदिना इमाम हुसैन रजियाल्ला का भी यही इरादा हुआ की मदीना मुनवरा में रहना दुरुस्त नहीं क्यूँकी इमाम हुसैन रजी अल्लाह जानते थे की मेरा इनकार के गज़ब का बायस बनेगा और यजीद लाइन जैसा जान का दुश्मन और खून का प्यासा शख्स मदीना मुनवरा की हरमत का ख्याल भी नहीं रखेगा मदीना मुनवरा ऐसी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तू की वफ़ात का दिन अहल मदीना और खुद इमाम आलि मकाम के लिए का दिन था आप रात को रियाजुल जन्ना में इबादत और नवाफिल में मशगूल रहे और बारगाह इज़्ज़त में दुआ फरमाई या अल्लाह ये तेरे नबी की कब्र अनवर है और मैं तेरे नबी का बेटा हूँ मैं जिन हालात से मजबूर होकर जा रहा हूँ तू जानता है मैं नेकी को इख्तियार और बदी से इज्तना को पसंद करता हूँ अल्लाह मैं तुझसे और साहेब कब्र का वास्ता देकर कहता हूँ कि तू मेरे लिए वो रास्ता पैदा फरमा जिसमें तेरी और तेरे रसूल की रजामंदी है हजरत इमाम हुसैन रजी ये दुआ फरमाते रहे और रोते रहे नवाफिल से फारिग होने के बाद हजरत इमाम अपने नाना जान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के रोजान पर हाजिर हुए और दरूद पढ़ते रहे और रोते रहे कब्र के साथ लिपट गए उसी हालत में आप देखते हैं की फ़रिश्तों की बहुत बड़ी जमात मौजूद है और आप सल्ला जलवाया अफरूज है और सैदिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह तू को आपने अपनी आगोश में लिया सेना गाया और चूम कर फरमाने लगी मेरे प्यारे हुसैन मैं तुम्हें देख रहा हूँ की तड़पाए जाओगे मेरी उम्मत के चंद और साथियों के साथ जमीन करबला में जुल्म के साथ जाओगे और तुम सब प्यासे भी होगे और तुम्हें पानी मयसर नहीं होगा इस सब के बावजूद कातिल मेरी शफात के उम्मीदवार होंगे खुदा की कसम उनको मेरी शफात नसीब नहीं होगी घबराओ नहीं तुम अब अपने माँ बाप के पास पहुँच जाओगे सब तुम्हारे मुश्ताक है इसी हालत में इमाम हुसैन रजी अल्लाह अपने नाना जान से रोते हुए अर्ज करते हैं ए मेरे प्यारे नाना जान मेरी दुनिया में जाने की कोई ख्वाहिश नहीं सिवाय इसके कि आप मुझे यहीं अपने जगह दे दें रसूल दे ने अपने हुसैन को तसली दी और फरमाया नहीं मेरे प्यारे बेटे तुम्हारे लिए दुनिया में अभी रुझू है क्यूँकी तुम्हें शहादत का वो मरतबा पाना है जो खुदा ने तुम्हारे लिए लिख दिया है उसका अजीम सवाल तुम्हे मिलना है इसी हाल में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तुमर अनवर ऐसी बेदार हो और आपकी आंखों से आंसू जारी थी कहने लगे ये प्यारे नाना जान अब की आखरी हाजरी है। उम्मीद नहीं कि अब दुबारा की अब दोबारा अनवर की हाजिरी मुझको नसीब होगी फिर हजरत सईदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तन सब्र का दामन लिए हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत सईदना उम्र फारूक रजी अल्लाह तू की कब्र मुबारक पर रोए और सलाम अर्ज किया अब हजरत सगी इमाम हुसैन रजगी उम्मीला के पास मुलाकात के लिए हाजिर हुए और सारा किया ये सुनकर कर के इमाम हुसैन रस तदीना मुनवरा से मक्का मुकरमा जाने का पुख्ता इरादा कर चुके हैं उमिन सलमा रजील्ला कहने लगी मुझे इस सफर आरोप जाने का सुना कर मेरे दिल को तकलीफ और मुझे गमजदा ना करो क्यूँकी मैंने आप सल्लाम की जबानी मुबारक ऐसी सुना है मेरा बेटा हुसैन इराक की सरजमीन में शहीद किया जाएगा और उस पर जुल्म और किया जाएगा और उस जमीन के टुकड़े को करबला कहा जाएगा और मेरे पास तो वो मट्टी भी शीशी में महफूज है जो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दी थी कि उसको संभाल कर रखना जब ये खून बन जाए तो समझ लेना की हुसैन शहीद हो गए हैं लिहाजा है मेरे प्यारे हुसैन आपका सफर मुझे मक्का मुकरमा का मालूम नहीं होता बल्कि करबला का सफर है हजरत इमाम हुसैन तआला ने रोक फरमाया ए अम्मी जान मैं जानता हूँ कि यकीन मुझ पर जुल्म से तम होगा और उसे जुल्म के साथ में शहीद किया जाऊंगा। इसके बाद सलमा रसी तभी फरमाए और ये भी फरमाया कि फिर अपने को साथ ना लेकर जाए तो आपने फरमाया कि बेशक आपका फरमान बजाने में हक है कि बच्चों को साथ लेकर ना जाऊँ लेकिन मशीत इलाही इस तरह है की मुझे जुल्मा के साथ शहीद होता देखे और मेरे अहलो आयाल को वतन ऐसी दूर रखे और उनको मसाइद में मुबतला देखे कि उनमें कोई उसकी राह में जिबा हो रहा हो और कोई तरह तरह की मुसीबतों में हो और जब मदद के लिए पुकारे तो कोई उनका हामा होम सलमा रजील ये कहकर बहुत रोई और इस तमाम मामले को अल्लाह के सुपुर्द करते हुए और दुआ इस्तकामत फरमाते हुए इमाम हुसैन रजीलो को अलविदा फरमा दिया इमाम हुसैन रजील्ला हु उसके बाद जन्नत में तशरीफ लाए और अपनी वालदा माजता हाथों ने जन्नत सैद फातमतर रजील्ला की खबर अतर पर हाजिर हुए खबर को देखना था कि हजरत इमाम हुसैन से लिपट गए और रोते हुए आप तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे अब वो हुसैन मजबूर होकर मदीना मुनवरा ऐसी जा रहा है अम्मी जान आज से पहले खबर पर हाजिरी देकर दिल को तस्किन दिया करता था दिल टूट रहा है आप जानती है की मजबूर हूँ अब आपके लाडले हुसैन की आजमाइश का वक्त करीब आ गया है अम्मी जान मेरे लिए दुआ फरमाइए मेरी जान चली जाए लेकिन फरमायी है की तयब की अर्ज गुजार और हदियालाम के बाद ऐसी रुख्सत हुए नाजरी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तला जब मक्का मुकरमा में दाखिल हुए तो आप रजी अल्लाह तला की आमद की खबर सुनकर लोग जोक दर जोक आपके पास आने लगे और ज्यारत का शर्फ हासिल करने लगे हजरत अब्दुल्ला इबन जुबैर रजी भी मक्का में मौजूद थे वो भी आपके पास आते जाते अपने दिलों को रोशन करते थे नाजरीन मक्का में क्या के दौरान इमाम हुसैन रजील की बारगाह में कोफा के लोगों ने खत भेजे जिसमे ये लिखा था की हम आपके साथ हैं हम आपके हाथ पर बैत करेंगे और ये जीत के खिलाफ एलानी जिहात करेंगे चुनाचा कोफा ऐसी खत आरोप खत और पैगाम पर पैगाम पहुँच लगे कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि कोफियों की तरफ से पैगाम मौसू ना हुए हों कोफियों को जब अपने खतूत पैगाम की तसली बख्श जवाब मौसू न हुए तो उन्होंने आप रजी अल्लाह की खिदमत में वफ़द भेजना शुरू कर दिए इन वफद में इराक के मशहूर लोग शामिल होते थे और वो तीन बातों पर जोर देते थे एक ये की यजीद की हरग बैत न की जाए दूसरा ये की कोफा तशरीफ लाए और खिलाफत की बैत लें तीसरा ये की हम लोग मरते दम तक वफादारी और जानसारी पर कायम रहे हमारे सामने यजीद की ताकत कुछ भी नहीं है वो आपका बाल भी बिबाका नहीं कर सकेगा अहल इराक आपके साथ होंगे और सिर्फ एक शाम आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा ये दावे बड़े बड़े असर रखने वाले कूफा के सरदारों की तरफ से किए गए और ये हकीकत है कि अगर वो लोग सिद्ध दिल और पुख्तगी के साथ आप रजील की हिमायत करतेजीद तो की कुत को पाश पाश करके रख देना कोई बड़ी बात नहीं थी हजरत सहीद ना इमाम हुसैन रजील्लाजीद को ना अहल गैर मुस्तक और फांसी को फाज तो समझते ही थे और इस अमर पर यकीन रखते थे कि यजीद को से माजूल फर्ज किफाया है इसलिए उनको फौरी तौर तो पर इस भरपूर हिमायत आरोपी वालों का शुक्रिया अदा करते हुए जाने का फैसला कर लेना चाहिए था। लेकिन आप रजी तुओ ने ऐसा ना किया क्यूँकी आप उन कोफा वालों की मतलब मिजाजी को अच्छी तरह जानते थे और पिछले हालात आप रजील्ला के सामने थे की उनफियों ने जिस तरह आप रजी अल्लाह के वाले मोहतर हजरत सगी दिना अलीजा रज तू और हजरत सगी इमाम हसन रजी अल्लाह तु से वफा के जो अहदो पैमान बंधे थे वो उन पर पूरा न उतरे थे मक्का मुकरमा में आप रजी अल्लाह के लवाकीन ने भी एहतियात से काम लेने पर जोर दिया था इसलिए आप रजी ताला ने फैसला किया की कि हालात का जायजा लेने के लिए पहले अपना एक नुमाइंदा कोफा भेजा जाए और फिर उनकी नज़र हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह पर पड़ी जो आपके चाद भाई थे जब हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तूफा पहुंचे तो लोगों ने आपका जबरदस्त इसकबाल किया और चंद दिनों के अंदर अट्ठारह हजार ऐसी ज्यादा लोगों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह त के हाथ पर हजरत सैदिना इमाम हुसैन अल्लाह रजील्ला की बैत कर ली और इस सूरत हाल को देखते हुए हजरत मुस्लिम बिन अकील अल्लाह रन ने हज़रत इमाम हुसैन अल्लाह को खत लिखा और सारे हालात से आगाह किया हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहन का खत हजरत सैदिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह तु को मिला तो आप रजी अल्लाह तु ने सफर की तैयारी शुरू कर दी नाजरीन रिवायात के मुताबिक हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तुम कोफा पहुँचे और मुख्तार बिन अबीद सख्ती के मकाम पर क्या पजीर हुए कोफा वाले तो बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे हाथों हाथ लिया और बैत का सिलसिला शुरू हो गया लोग बैत के लिए एक दूसरे आरोप सबकत हासिल करने के लिए कोशिशें करने लगे दो रोज के अंदर अठारह हजार कोफियों ने हसरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तनों के हाथ पर हजरत सगीदीना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तनों के हक में खिलाफत की बैत की इन अफराद में हर तबके ऐसी ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद थे उस वक्त के ग हज़रत नोमान बिन बशीर रजीन एक नेक फितरत बुजुर्ग वोफा वालों की सरगर्मियों का मुशाह कर रहे थे और नुमाइंदे की हैसियत ऐसी अफजाई पर खामोश थे आप रजी अल्लाह तुलह जो और हलीन तबाह थे इसलिए आपने हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहन के खिलाफ कोई अमली कदम न उठाया जब दमशक में ये खबरें पहुँच तो यजीद की परेशानी की इंतहा न रही उसने फौरी तौर पर अपने मुशीरों का इजलास तलब किया और फौरी तौर पर हजरत नमान बिन बशीर रजी अल्लाहन को बरतफ कर दिया गया उबैदुल्लाबन जियाद को का गवर्नर मुकर किया गया और उसे हुक्म दिया की कि मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तू को कत्ल कर दो या फिर कोफा से निकाल दो इबनि जियाद जो की बसरा में मौजूद था अपने सत्रह सवारों के साथ रवाना हुआ बसरा से रवाना होने के बाद उसने वो रास्ता छोड़ दिया जो बसरा से को जाता था और वो रास्ता इख्तियार कर लिया जो मक्का मुकरमा से कोफा को जाता था इस फैसले के पीछे उसकी गहरी मनसूबा बंदी और शैतानियत फरमा थी उसे ये इल्म हो चुका था कि की हजरत इमाम हुसैन को कोफा पहुँचने की दावत दी जा चुकी है और कोफा वाले शिद्दत ऐसी उनका इंतजार कर रहे हैं इन मालूम ऐसी उठाते हुए उसने कोफा वालों को धोखा देने की कोशिश की जिसमे उसको कामयाबी हासिल हुई जब वो कोफा के करीब पहुँचा तो एक जगह रुक कर शाम का इंतजार करने लगा जब अंधेरा छा गया और अच्छी तरह इंसान की पहचान न हो सकती थी तो अपने लश्कर को छोड़कर चंद काबिल एतम साथियों को लेकर रवाना हुआ उसने अपने चेहरे को नकाब से ढांप रखा था ताकि लोग उसको पहचान न सकें। गुफा के लोग उस वक्त हजरत सगीदीना इमाम हुसैन रजी अल्लाह का इंतजार कर रहे थे वो समझे की शायद हजरत सगीदीना इमाम हुसैन रजी अल्लाह रजियाँ तशरीफ ला चुके हैं उन्होंने नारे बुलंद किए और इन जियाद का मक्काराना अंदाज में हाकिम के मकान की तरफ रवाना हुआ लोग उसके पीछे पीछे थे मगर उसने उस वक्त लोगों को मुखातिब न किया हाकिम के मकान पर पहुंचने के बाद उसने अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद कर दिया दिया कई लोग समझ गए कि यह हजरत इमाम हुसैन रजी ताला नहीं बल्कि कोई और है कि हालात पर जल्द काबू पाना चाहता था इसलिए उसने पहले हजरत नुमान बिन बशीर रजील्ला को माजूली के अहकाम सुनाए और फिर जामे मस्जिद में पहुँच कर अहल कोफा के सामने निहायत जबरदस्त तकरीर की वो कहने लगा मुझे यजीद ने कोफा का हाकिम मुकर किया है उसने मुझे हुक्म दिया है की मैं मजलूमों ऐसी इंसाफ फरमा बरदारों आरोप एहसान और गद्दारों और नाफरमानों पर सख्ती करूँ मैं ये हुक्म बजा लाऊंगा दोस्तों से मेरा सलूक मुशफ और मेहरबान बाप जैसा होगा लेकिन जो शख्स मेरे सरताबी करेगा उसे तलवार की धार और कोड़ी की मार का मजा चखाऊंगा इसलिए हर शख्स को खुद अपनी जान पर रहम करना चाहिए इस तकरीब का कोफा के लोगों पर बहुत ज्यादा असर हुआ कोफा वाले मुखलिस नहीं थे इसलिए बुजदिल भी थे और वो हजारों की तादाद में थे लेकिन इबन ज्यादात के साथ गिनती के चंद अफरा थे वो अगर बुजदली ना दिखाते तो तकरीर के दौरान ही उसकी का बोटी कर देते लेकिन तकरीर सुनकर उनमें से अक्सर के पसीने छूटने लगे थे इबन ज्याद इस के बाद अपने महल में चला गया और अपने साथ लाए हुए लोगों को भी खुफिया मीटिंग के के लिए बुला लिया इबन ज्याद गवर्नर बनने और कुफियों के दगा देने की खबर सुनने के बाद हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तू कोफा के एक सरदार हानि बिन उर्वा के घर मुंतकिल हो गए जो की हजरत सही दिना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तनों की जानिसारों में से थे इबन जिया ने इमाम मुस्लिम बिन अकील रजी की तलाश के लिए अपने जासूस शहर में फैला दिए इबन ज़ियाद के जासूस शहर भर में हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तला को तलाश करते रहे मगर नाकाम रहे इस दौरान इब्न जियाद एक रोज खुद हानी बिन और के घर पहुंच गया दरअसल इब्न जियाद को हानी बिन उर्वा पर शक गुजरा था इसलिए उसने अपने जासूसों को उसके घर की निगरानी पर मामूर कर दिया इबन जियाद के एक जासूस ने हानी बिन उवा के घर एक बुजुर्ग को अपनी बातों में फंसा लिया और उससे कहा कि मैं दिल्ली ख्वाहिश के साथ यहाँ पहुँचा हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है की मैं हजरत सईदिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह तन की कि किसी दाई की खिदमत में तीन हजार जमे मलकियत में है पेश करके सवाब हासिल कर वो बुजुर्ग उस जासूस की बातों में आ गए और उसे लेकर हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह के पास चले गए वो शातिर जासूस हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह के कदमों से लिपट गया और आंसू बहाना शुरू हो गया फिर उसने इबन जिया को मुखबरी की हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तन हानी बिन उर्वा के घर में मौजूद है इबन जिया ने हानी बिन उर्वा को तलब किया और उनसे इमाम मुस्लिम बिन अकील की हवालगी का मुतालबा किया हानी बिन उर्वा ने कहा कि वो मेरे मेहमान हैं मैं तुम्हारे हवाले हर नहीं करूंगा ये सुनकर इब्नि ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने हानि बिन उरवा को कैद में डलवा दिया नाजरीन फिर इबन जिया ने कुफा के के कबाइल सरदारों को अपने हाँ मदु किया और जब वो पहुंचे तो उसने किला के दरवाजे बंद कर दिए इमाम मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह को जब खबर पहुँची तो वो उन अठारह हजार जवानों को लेकर जो बैत कर चुके थे इबनि जिया के मकान पर पहुंचे इब्नि जिया ने एक और चाल चली और उसने उन तमाम सरदारों से कहा कि वो अपने अपने कबीले के लोगों को इमाम मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अल्लाहन का साथ छोड़ने देने का हुक्म दे वरना उनके सर कलम कर दिए जाएंगे फिर इन सरदारों ने अपने अपने कबाइल को हुक्म दिया और और वो जो हजरत दिना इमाम हुसैन रजी अल्लाह हक के लिए अपनी गर्दने कटवाने को तैयार थे उन्होंने इमाम मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दिया हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तला ने जब कोफा वालों की गद्दारी देखी तो परेशानी के आलम में एक तरफ चल दिए उस दौरान एक जयीफा के पास से आपका गुजर हुआ आपने उसे पानी तलब किया तो उसने आपको पानी पिलाया और कहने लगी कि सारा कोफा इस वक्त आपका दुश्मन है आप मेरे घर में रहें, मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगी मेरा बेटा भी जासूस है और आप फिल वक्त मेरे घर के तह खाने में छुप जाए हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह रजिया उस जयीफा औरत के घर छुप गए उस दौरान उसका बेटा घर आया और शक पड़ने पर उसने इबनि जियाद को आप रजी अल्लाह तला की मौजूदगी के बारे में आगाह कर दिया इबन जियाद ने मोहम्मद बिन अशस की सरबराही में सत्तर जवानों का एक दस्ता रवाना किया और वो इस घर पर हमला आवर हो गए आपस गिल्ला को जब मालूम हुआ तो उस जयीफा को जियाद के इंतकाम से बचाने के लिए घर से बाहर आ गए घर से बाहर आने के बाद आप गह का मोहम्मद बिन अशस और उसके लश्कर से मुकाबला हुआ और आप जख्मी हो गए मोहम्मद बिन आशिश ने पनाह का वादा किया तो आप रजील इन्हो ने हथियार गर्दन उड़ाने का मोहम्मद बिन, अकील रसी ने बिन को उसका वादा याद दिलाते हुए कहा की तुम अपना वादा पूरा ना कर सके अब तुम मेरी एक बात मान लो और मेरे भाई इमाम हुसैन रजी अल्लाह तू को खत लिख कर पूफा के हालात ऐसी आगाह कर दो हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज्लाह तनों की शहादत के बाद उनके दोनों मासूम बच्चों को जिन्हें वो अपने लाए थे और वो काजी शरीफ केजरत सवानी का के रिश्तेदारों को हुआ तो उन्होंने आप रजील्ला कोफा जाने ऐसी रोकने की कोशिश की हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तु ने कहा की कोफा वाले अगर आपके हामी है तो वो यहाँ आकर आपकी मदद करे आप रजी अल्लाह तन हूँ यहाँ रहकर अपनी खिलाफत का ऐलान करें आपने फरमाया की मक्का मुकरमा में खून रेजी नहीं चाहता हजरत अब अब्बास रजी अल्लाह अब्दुल्लाजी ने कहा की अगर इराक वाले आपके हामी है तो पहले वो मुल्क शाम पर कब्जा करें वो आपको नाहक लड़ाई में झोंकना चाहते हैं और वही सलूक आपके साथ करना चाहते हैं जो उन्होंने आपके वालिद हजरत अली रजी अल्लाह तु और आपके भाई हजरत हसन रजी अल्लाह रजील के साथ किया था हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ने इस उजर को तस्लीम न किया और तकरीबन चार माह मक्का मुकरमा से रुख्सत के वक्त बोत औ के लिए लाजिम है और ये बायत है जिस तरह औरत के गले में हार मुझे अपने बुजुर्गो से मिलने का शौक है और ये शौक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तरह है जिस तरह वो हजरत यूसुफ अलीम से मिलने का मुश्ताक थे मेरे लिए मक्तल तैयार किया गया है जिसे मैं देखूँगा और अब भी देख रहा हूँ जंगल के भेड़िए मुझे चीर रहे हैं और मुझसे अपने शिकम भर रहे हैं जो बात लोहे महफूज में लिख दी गई है उससे कोई नहीं बच सकता हम अहले बैत भी अल्लाह इज़्ज़त की रज़ा पर राज़ी हैं और इस आज़माइश पर सब्र करने वाले हैं वो यकीनन हमें इसकी जजाता फरमाएगा रबी आलतम से उनकी आल दूर नहीं होगी और हम जल्द जन्नत में मिलने वाले हैं जो हमारे लिए अपनी जान कुर्बान करेगा वो अपने नफ्स को हक़ से मिलने पर आमादा कर चुका है नाजरीन इमाम हुसैन रजी अल्लाह की कोफ़ा रवानगी की खबर जब इब्न ज्यादात को पहुंची तो उसने जासूस का निज़ाम सख्त करवा दिया और हजरत सईदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तनों से हमदर्दी रखने वालों को कैद और मारना शुरू कर दिया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तनों का काफिला जब सफा के मकाम पर पहुंचा तो वहां आपकी मुलाकात अरब के मशहूर शायर से हुई हजरत सईदिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह जब सालबा पहुंचे तो आपने कोफा की जानब से एक घोड़ सवार को आते देखा आपने उसे रोक कर कोफा के हालात दरिया किए उसने अर्ज किया कि इब् जियाद को कोफा का गवर्नर मुकर किया गया और उसने यजीद के मुखालफी पर कोफा की सरजमीन को तंग कर दिया है आप रजी अल्लाह अल्लाहन हो के चाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तन हो और उनके के दोनों बेटों को शहीद कर दिया गया है इसी तरह इमाम मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह के जितने भी हामी थे वो भी सब शहीद कर दिए गए हैं हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ने जब ये खबर लोगों को सुनाई तो हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह की साहबजादी हजरत हमीदा रजी अल्लाह रजील्ला जो के इस काफिले में शामिल थी वो रोने लग गई तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ने फरमाया अल्लाह इन जालिमों से बदला लेगा और उन्हें जान वासिल करेगा मेरे भाई मुस्लिम के जिम्मे जो फर्ज था वो उन्होंने बखूबी निभा दिया अब जो कुछ है वो हमारे जिम्मे है फिर आप रजी अल्लाह ने हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह की बेवा और दीगर बच्चों को भी तसली दी इमाम रजी अल्लाह तुम जब सबाला के मकाम पर पहुँचे तो आपको इतला मिली की अब्दुल्ला बिन कबीर जो के हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के हमरा थे उन्हें भी शहीद कर दिया गया है इबन जिया ने कोफा की जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी करवा दी और अपने जासूस छोड़ दिए ताकि आपकी आमद का पता चल सके इमाम आली मकाम को जब इबन जियाद की इन इकदाम की इतला हुई तो आपने उसे मशीत इला कर कबूल कर लिया और मंजिल मंजिल सफर तय करते हुए कोफा की जानी सफर रवा दवा रखा जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तू का काफिला सराज पहुँचा तो इबन रियाही एक हजार का रश कर लेकर आप रजी अल्लाह तला के मुकाबले में आया ताकि आपको गिरफ्तार कर सके जब सराज के सहरा में हरा इब्न रियाही और उस लश्करियों की प्यास से बुरी हालत हुई तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह रजियाल्ला ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि उन्हें पानी पिलाओ हजरत इमाम आली मकाम रजी अल्लाह तु ने इस रेगिस्तानी इलाके में हुर और उसके लश्करियों से खिताब करते हुए फरमाया मैं खुद तुम्हारी जानिब नहीं आया बल्कि तुमने मुझे खतूत लिख कर बुलाया और कहा की हमारा कोई इमाम नहीं हमारी रहनुमाई फरमाए अब जब मैं आ गया तो तुम्हे मेरा आना नागवार गुजरा है मैं अपनी मंजिल की जानिब वापस लौट जाता हूँ इमाम आली मकाम रजी की इस तकरीर को सुनकर हुर और, तो हुर और उसके लश्कर ने कोई जवाब न दिया फिर आप रजी अल्लाह ने नमाज की इमामत फरमाई तो हुर और उसके लश्करियों ने नमाज अदा की नमाज ऐसी फरागत के बाद आप रजी अल्लाह अपने खेमे में तशरीफ ले गए और हुर का लश्कर अपने खेमों से लौट गया फिर नमाज असर का वक्त हुआ और आजान असर के बाद हुर के लश्कर ने एक मरतबा फिर आप रजी अल्लाह तुम की इमामत में नमाज असर अदा की नमाज के बाद हजरत इमाम हुसैन रसी अल्ला तुओ ने यह खुतबा अर्शात फरमाया ए लोगो अगर तुम्हें अल्लाह का कुछ खौफ है तो फिर हक़ को पहचानो ये बात अल्लाह की खुशनौदी के लिए है आल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी निज़ाम की बदौलत इन लोगों से ज्यादा हकदार हैं जो अपने दावे में गलत हैं और जालिम हैं तुम लोगों ने अपने खतूत और कासिदों के जरिए अपना इरादा ज़ाहिर किया अगर इस सब के मुखालिफ हो तो फिर मैं लौट जाता हूँ हज़रत इमाम आली मकाम रजी अल्लाह रजीलों का खुतबा सुनकर हुर इब्न रियाही ने अर्ज किया कि मुझे इन खतूत की बाबत कुछ इल्म नहीं है फिर इमाम आली मकाम ने कूफा और बसरा के नुमाइंदगी के खतूत मंगवा कर उसे दिखाए हुर ने अर्ज़ किया कि मैं इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर पाबंद हूँ कि काफिले वालों को पकड़ कर उसके सामने लाया जाए मेरे लश्कर ने अभी तक आपसे कोई ज्यादती नहीं की मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरे साथ चलें या फिर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर लें हजरत सईदना इमाम आली मकाम रजी अल्लाह तु ने उस रास्ते की बाबत दरियाफ़त किया तो हुर इबन रियाही ने आपको शाम के रास्ते पर डाल दिया हजरत इमाम आली मकाम रजी अल्लाह तु ने सरात जो की के, के नजदीक था वहाँ से कोफा जाने की बजाय करबला की जानब चल दिए जहाँ से कोफा का रास्ता कदरे दूर था हजरत इमाम आली मकाम रजी अल्लाह त का ये काफिला सफर करता हुआ मंजिल दर मंजिल नैनवा पहुँचा नैनवा दरियाए फ्रात के किनारे आबाद है हजरत इमाम आली मकाम रजी अल्लाह को मजबूर किया गया की कि वो दरियाए फ्रात ऐसी खतरे दूर करबला के सेहरा में क्या पजीर हूँ चिनाची हजरत सईदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तला और दीगर काफले वाले करबला के मैदान में, में खेमा लगा कर वहाँ क्याम पजीर हो गए नाजरन दोपहर के वक्त हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह रजिया ने देखा की एक लश्कर चला आ रहा है आप समझ कि यह भी निजात का लश्कर है आप रजी अल्लाह तु ने अपने साथियों से कहा बेहतर ये है कि हम पहाड़ के दामन में खेमा लगाएं ताकि हमें सिर्फ एक दुश्मन से मुकाबला करना पड़े बिन जुहर ने कहा कि आपकी राय बिल्कुल दुरुस्त है हमारे करीब ही बाएं जाने जबल जी हसन हम है हम जल्दी से उसके दामन में पहुँच कर डेरे डाल ले वरना दुश्मन वहाँ पहुँच गया तो जो फायदा हम हासिल करना चाहते हैं वो उसे हासिल हो जाएगा इमाम हुसैन रजी अल्लाह ने मौके ऐसी फायदा उठाते हुए अपने साथियों को जल्द अज जल्द कूच करने और जबल जिया हसन पर पहुँच कर डेरे डालने की हिदायत फरमा दी चुनाचे थोड़ी ही देर में आप रजी ताला अन्हों का जबल जी हसन पहुँच गया जो लश्कर आपको दिखाई दिया था वो हुर बिन यजीद तमीमी का था हजार सवारों का दस्ता लिए हुए दोपहर में आपके मुकाबला पहुँचा इमाम हुसैन रजी अल्लाह तला ने खदिमो को हुक्म दिया की सब लोगों को पानी पिला कर इनकी प्यास बुझा दो और घोड़ो को भी पानी पिला दो कद्दाम उठ खड़े हुए और रसालों के सवारों को पानी पिला पिला कर सैराब कर दिया फिर का तशत भर भर कर घोड़ों के सामने रखे गए जनाब हुर के सिपाहियों ने कुछ देर आराम किया यहाँ तक के नमाज जोहर का वक्त आया इमाम आली मकाम रजी अल्लाह बिन मसरूर जाफरी को अजान देने का हुक्म दिया अजान के बाद आप लश्कर हुर के सामने तशरीफ ले गए और हमदोसना के बाद हुर और उसकी फौज को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया मैं खुदा ताला की बारगाह में और तुम्हारे सामने अपनी सफाई पेश करना चाहता हूँ की तुम्हारी तरफ उस वक्त तक नहीं आया जब तक तुम्हारे खतूत मेरे पास नहीं आ गए कि आप हमारी तरफ तशरीफ लाइए हमारा कोई इमाम नहीं है शायद अल्लाह तबारक वाला आपके जरिए हम लोगो को हिदायत पर जमा फरमा दे अब अगर तुम लोग अपनी बात पर कायम हो तो मैं आ ही गया हूँ अगर तुम वहद पैमान के मुझे पूरा इतमान दिला दो तो तुम मैं तुम्हारे शहर चलूँ और अगर तुम ऐसा नहीं करते और मेरा आना तुम्हें नागवार है तो मैं जहाँ ऐसी आया हूँ वही वापस चला जाऊंगा इसी इसना में जियाद का गुलाम सालम घोड़ा दौड़ाता हुआ मैदान में आ पहुंचा, उसने तलवार लहराई और हजरत इमाम हुसैन रजियाल्ला को जंग के लिए ललकारा हजरत हुसैन रजियाल्ला उठे मगर हजरत रजियाल्ला ने पाँव पकड़ लिए और अर्ज किया गुलाम के होते हुए आका मैदान में नहीं जा सकता मजलूम करबला ने फरमाया हुर ये तो ठीक है मगर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई अपनी जान गवाए हजरत हुर ने फिर अर्ज की या हुसैन मुझे अपनी जान प्यारी नहीं ईमान प्यारा है और जिंदगी अजीज नहीं दीन अजीज है और अगर दीन और ईमान की खातिर ये जान जाती है तो जाए और अगर नामोस अहल बैद की हिफाजत के लिए मौत आती है तो आए ये सैयदी दुश्मन जंग के लिए ललकार रहा है अब मुझे इजाजत दीजिए यह सुनकर इमाम आली मकाम रजील तला इजाजत दे दी और फरमाया हुर जाओ खुदा तुम्हारी ये कुर्बानी कबूल फरमाए और पहले तो तुम्हारा नाम हुर है और जाओ अब तुम दोजो की आग से भी आजाद हो जाओगे ये खुशखबरी लेकर हुर शौके शहादत के नशे में झूमता हुआ आगे निकला और अमर बिन साद को मुखातिब करके फरमाया ए दुनिया जलील इंसान अब मैं वो हुर नहीं हूँ जो अहले बैद को घेर कर यहाँ लाया था बल्कि अब मैं राह सदाकत में कुर्बान होने वाला हुर हूँ अब मैं दिनों ईमान की खातिर जान देने वाला हुर हूँ और इमाम बरहक के कदमों में निसार होने वाला हुर हूँ अब मैं जहन्नम की आग से आज़ाद होने वाला हुर हूँ खुफियों को मुखातिब करते हुए आपने फरमाया बदफित तुमने नवासे रसूल को अपना मजहबी पेशवा बनाने के लिए बुलाया अपने दीन का इमाम तस्लीम किया और जब वो तुम्हारे वादों पर एतबार करके और तुम्हारी कस्मों पर यकीन करके आ गए तो अब मजबूर करते हो कि वो एक फासीक फाजिर को अपना मजहबी पेशवा तस्लीम कर लें अब उनको कहते हो कि वो एक बेदीन को अपना इमाम बना लें खबरदार अब भी वक्त है आंखें खोलो और इमाम हुसैन के चेहरे पर हुसन मुस्तफ़ा के जलवे देखो हक का साथ देकर जन्नत का सौदा करो आगे बढ़ो और इस हक के इमाम का दामन पकड़ लो खुदा तुम्हें माफ कर देगा वरना दो के लिए तैयार हो जाओ जनाब हुर की इस ईमान अफरोज तकरीर ने अमर बिन साद और कूफियों के दिल दहला दिए किसी को जवाब देने की हिम्मत न हुई और जवाब भी देते तो क्या देते वो तो झूठे थे बेवफा थे और दगाबाज थे लेकिन अमर बिन साद पुकार उठा साथियों देखते क्या हो उठो और नमक हराम का मुंह बंद कर दो सालम आगे बढ़ा और फिर एक तीर सुन सनाता हुआ हुर के कानों के करीब से गुजर गया हजरत हुर रजी अल्लाह हो जोश में आ गए और पुकारने लगे कि जियात के गुलाम मेरा और तेरा कोई मुकाबला नहीं तो इब्न ज्यादा का गुलाम है और मेरी माँ ने मेरा नाम हुर रखा है और मैं पहले भी दुनिया के गम और फिक्र से आजाद था और अब तो फातमा किलाल ने मुझे जहन्नुम की आग से भी आजाद कर दिया है तू इबन का गुलाम है और मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ अली का गुलाम हूँ और इमाम हुसैन का गुलाम हूँ जा और अमर बंसाज से कह दे कि वो खुद मुकाबले में आए और मेरी तलवार की काट देखे दुश्मन ने आवाज़ दी कि ये ठीक है कि मैं गुलाम हूँ मगर बहादुर हूँ आगे आ और मेरी शमशेर के जौहर देख हजरत रजगी जोश में आकर घोड़ा आगे बढ़ाया और हवा की तरह सालम के सर आरोप पहुँचा तलवार बिजली की तरह चमकती और फिर सालम की लाश जमीन पर तड़पने लगी अमर बिन साद इस नाकामी को देख कर पुकार उठा ए यज़ीद और इबन ज़ियाद के नमक हारो तुम में से कौन बहादुर है जो हुर को कतल करे और यजीद के दरबार से सोने और चांदी के खजाने हासिल करें सोने और चांदी के लालच ने हुसैन बिन उमेर को अंधा कर दिया और वो बड़े तकबर और गरूर से तलवार हवा में लहराता हुआ मुकाबले में आया लेकिन वो अभी संभलने भी ना पाया था कि हुर ने उसके भी दो टुकड़े कर दिए और फिर शो के शहादत में खुद ही यजीदी लश्कर में घुस गया के किसी तरह अमर बिन सात को कत्ल करके उसके फितने को हमेशा के लिए खत्म कर दू यजीदी लश्कर में हल चल मिच गए और हुर के एक एक हमले से कई कई यजीदी गिरते थे फिर दुश्मन ने यकबारगी से हमला किया तीरों की बारिश और तलवारों की बौछार से हजरत हो रजी अल्लाह तला जख्मों पर जख्म खा रहा था मगर लड़ता जा रहा था आखिर जनाबे हुर बेहोश होकर गिर पड़े अमर बनसात पुकारा हुसैन अपने नए गुलाम की लाश ले जाओ हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तुम जनाब हुर के पास तशरीफ ले गए और फरमाने लगे मरहबा हुर ने आंखें खोली और फिर आखिरी बार अपने आका को देखा फिर इमाम हुसैन रजी अल्लाह तन के कदमों में जान दे दी नाजीन इकसठ हिजरी मुहर्रम हराम की दूसरी तारीख को हजरत से इमाम हुसैन रजी अल्लाह तन ने मैदान कर बला में खेम फरमाने के बाद सबसे पहले अपने अहले बैद रुफा और अहबाक को जो खुतबा और नसीहतें फरमाई उसका मजमून कुछ इस तरह से था सबसे पहले आपने अपनी औलाद और भाइयों और तमाम अहले बैत को जमा किया और कुछ देर तक उनकी तरफ देखते रहे और रो पड़े फिर बार गाय में यूं अर्ज किया अल्लाह हम तेरे नबी की औलाद है और हमको जबरदस्ती आप सल्लाम के शहर और हरम ऐसी दूर कर दिया गया हम पर जुल्म से दम किया गया तो हमारे हक़ को पूरा फरमा और जालिमों पर परफ़त और नुसरत अदा फरमा आम लोग दुनिया के बंदे हैं और उन्होंने दीन को मजाक बनाया हुआ है और वो दीन में जाहिर तौर पर इस वक्त तक है जब तक उनकी माली हालत बेहतर रहती है लेकिन जब किसी आज़माइश का वक्त आता है तो दीनदार बहुत कम लोग साबित होते हैं इसके बाद आप रसी ने अपने हमराइयों को मुखातिब करते हुए फरमाया कि मैं आपको वसीयत करता हूँ कि जब हम पर मुसीबत और तकलीफ और शहादत का वक्त आए तो सब्र करना जब मैं शहीद हो जाऊँ तो खबरदार अपने रुखसारों पर तमाचे न मारना और अपने चेहरों को ना नोचना अपने बालों को ना नोचना और अपने कपड़े न फाड़ना और वावेला की सदाएं बुलंद न करना ए मेरी बहन जैनब तुम फातमा तो की शहजादी हो और जैसा उन्होंने रसुल्लाम की वफात पर सब्र किया था तुम भी इसी तरह मेरी शहादत पर सब्र करना इमाम आलि मकाम के इस खुतबे का मकसद यही था कि हमारे मसाइब और शहादत के बाद मातम ना करना यजीदी लश्कर ने जब हजरत सईदिना इमाम हुसैन रजील्ला सुना तो उनमें से बेशतर लोग जो शामी थे वो मैदान जंग छोड़ कर वापस जाने लगे और कूफियों की भी बड़ी तादाद गिरी औजारी करती हुई मैदान जंग ऐसी वापस लौट गयी बख्ती बिन रबिया शीज बिन रबी और शिमर दिल ने जब यह मंजर देखा की सईदी इमाम हुसैन रजी अल्लाहनों की खिता आपने उनके साथियों के दिल पर असर किया है तो उन्होंने पंतीरा बदला और आपसे कहा हम आपको उबैदुल्लाह ज़ियाद के पास ले जाते हैं और वो आपके मामले में फैसला करेगा और अगर आपने उबैदुल्लाह ज़ियाद की मौजूदगी में यजीद की बैत कर ली तो हम आपका साथ देंगे नाज़रीन जब हजरत सयदिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह तुमर बिन साद की तरफ से मुकम्मल खामोशी देखी तो आपने जान लिया की यजीदी हुकूमत के नापाक अहकाम जो मेरे मुत्ल किए गए हैं उन पर ये तफक्कुर में पड़ा हुआ है आपने खुद उसको पेगाम भेजा कि आज रात मुझे मिलो ताकि तुमसे कुछ जरूरी बातें करूं। उसने कहला भेजा की मैं फलादगी मकाम पर आपसे मुलाकात करूंगा इमाम मकाम जब उससे मिलने गए तो शहजादाबर और अब को भी अपने हमरा ले गए दौरान मुलाकात इमाम हुसैन रजील्ला और अमर बिन साद के दरमियान गुफ्तगु होती रही और मौजूदा सूरत हाल पर कई उमूर जेर बहस आए और सिलसिला कलाम बढ़ता गया यहाँ तक की आप में कुछ खास बातें हुई जिनका हासिल ये थारान गुफ्त को इमाम हुसैन इस खुदा से नहीं डरता जिसकी में हाजिर होना है तो मुझसे जंग करता है की कि मैं किसका फर्जंद हूँ इस कौम को छोड़ और मेरा साथ दे ये बात खुदा के खुशनुदी के ज्यादा नजदीक है इसके जवाब में अमर बिन साद ने कहा की मुझे खौफ है की मेरा घर ढा दिया जाएगा इमाम हुसैन रजिया उन लोगों ने तुम्हारा घर ढाया तो मैं तुम्हें घर बना दूंगा अमर बिन साद ने कहा मुझे खतरा है कि मेरी जायदाद जब्त कर ली जाएगी इमाम हुसैन रजी अल्लाह ने फरमाया की मैं अपने माल से तेरी मौजूदा जायदाद ऐसी बेहतर जायदाद तुझे ले कर दूंगा अमर बिन साद ने कहा की मेरे अहलोयाल है मुझे उनकी हलाकत का भी डर है उसके बाद इबन साद खामोश हो गया और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह कर खड़े हो गए और फरमाने लगे तुझे क्या हो गया है अल्लाह तुझे नहीं बख्शेगा और यही है कि तू अब ज्यादा देर इराक की गंदम नहीं खा सकेगा अमर बिन ने बतौर मस्कर ये कहा था की अच्छा गंदम न मिली तो जो खाकर गुजारा कर लूंगा यह उसका एक मजाक था ये परेशान कौन सूरत हाल जो दो मुहर्रम ऐसी जारी थी अब वो सातवी मुहर्रम को इस नहज पर आ पहुँची के दरियाए फ्राद का पानी जिसको पाँच दिन तक तो पहले ही बड़ी दुश्वारी के साथ बेआब हो गया और चटियल मैदान में दरियाए फुरात से खानदानी नबूवत पानी इस्तेमाल करते रहे और पीते भी रहे लेकिन अब सातवीं मुहर्रम को मुकम्मल तौर पर खानदानी नबूवत को पानी की बंदिश को अमली शक्ल दी जा रही है यजीदी फौज के सरबराह ने अमर बिन बंसात को सैकड़ों की तादाद पर मुश्तम फौजी दस्ता भेजा कि तुम दरियाए फ्राद आरोप सबको मुतयन कर दो और इतनी दूर तक पहरा लगाओ कि काफिला हुसैनी में से कोई एक भी किसी हिस्से से पानी ना पी सके चुनाचे इस तरह अहल पर पानी को बंद कर दिया गया नाजरीन हजरत इमाम और शहादत के वाकयात इस कदर ज्यादा है की अगर उनको बयान किया जाए तो ये कई घंटों का मजमून होगा इस वीडियो के पार्ट टू में हम शहीद ने की शहादत के मुकम्मल हालात तो वाक्यात पेश करेंगे अल्लाह पाक हम सब का हाम हो आमीन नाजरीन कमेंट बॉक्स में अल्लाह तला के निन्नवे नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें